वहीं आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। अब 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। सभी दलों की ओर से जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 5वें चरण की वोटिंग से पहले आज लखनऊ में इंडी अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव अहम है। चार चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता तुषार श्रीवास्तव है, उनसे जरा बातचीत करते हैं, थोड़ी सी अंदर की खबर समझते हैं। तुषार, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे पहले उसमें केजरीवाल नहीं नजर आए। दूसरा, अखिलेश से जब पूछा गया कि क्या देश का अगला प्रधानमंत्री रायबरेली से होगा, तो इसका जवाब देने से वो बचते फिरे। जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो बीजेपी की विदाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब इंडिया अलायंस बना तभी से इसमें खटपट शुरू हो गई थी। सबसे पहले जयंत चौधरी साथ छोड़कर चले गए थे, आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस में आरएलडी शामिल थी, वो साथ छोड़कर चली गई थी। कई बार अखिलेश यादव और अजय राय, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें तीखी झड़प देखने को मिली थी। बातों को लेकर कई बार आपस में टकराव हुआ, हालांकि बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने माफी मांगी है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जैसा बयान अखिलेश यादव ने दिया है कि जब ये इंटरनल मामला है, ये बाद में तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो बहुत कुछ नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा है। मतलब किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ बदलाव होता है, तो फिर देखने वाली बात होगी कि आपस में किस तरह से ये लोग डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी भी कई बार विचारधाराओं की लड़ाई देखने को मिलती है, आपसी मनमुटाव देखने को मिलती है, चाहे वो आरएलडी से इन लोग के बीच हो। आरएलडी ने इनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार ने इनका, जो सबसे पहले इंडिया अलायंस के अगुआ हुआ करते थे, वो साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक है। जरूर है, कुछ ना कुछ खटपट है। और आज का जिस तरह से अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी यानी कि रायबरेली से होगा, तो अखिलेश यादव उस पर कन्नी काटते हुए नजर आए और उन्होंने साफ कर दिया कि ये इंटरनल मामला है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर कुछ बोलना उचित नहीं समझा। यानी कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन इनका प्रधानमंत्री होगा, किसी का भी अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है और आपसी खींचतान अलग देखने को मिल रही है। हाँ, ये जरूर है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी के कई सीटों को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव है 5वें चरण का, वो चुनाव 14 सीटों पर होने वाला है और उनमें 5 ऐसी सीटें हैं जो कि सुरक्षित हैं और उसमें दलित वोटर ज्यादा है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, गरीबों की बात किए, राशन देने की बात किए, नोटबंदी की बात किए, तानाशाही की बात किए, मटन चिकन और मंगलसूत्र की बात किए। तो एक बात तो साफ हो गई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा चुनाव प्रचार था और चुनाव प्रचार के लिए वो यहाँ पर आए थे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो आज लखनऊ है, लखनऊ के जस्ट बगल में बाराबंकी है, सुरक्षित सीट है। इसके अलावा बांदा है, हमीरपुर है, लखनऊ में ही एक लोकसभा मोहनलालगंज है, ये सभी सुरक्षित सीट है। तो यहाँ पर भी चुनाव होना है। हालांकि ये अगर बात करें तो ये पिछली बार जो चुनाव हुआ था, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो इस बार पूरी कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन है, इन सीटों को अपने खाते में लेकर आए, क्योंकि जीत और हार का जो मार्जिन था वो पिछली बार का वो बहुत कम था। तो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सीटों को साधने की कोशिश की गई। हालांकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए बाराबंकी भी जाएंगे। एक मैसेज देने की कोशिश तो जरूर की गई है प्रेस वार्ता की के जरिए, पर फिर भी कुछ ऐसे सवालों के जवाब थे जिससे कन्नी काट गए। ये भी समझना और सोचना बेहद जरूरी है कि इसके पीछे का मतलब क्या है। धन्यवाद करेंगे फिलहाल तुषार इस जानकारी के लिए आपका।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी का विजय रथ न सिर्फ फंस गया है बल्कि ये तो धस भी गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 4 जून को बदलाव होगा और देश को नई सरकार मिलेगी। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून लाकर के जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो अभी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है।